हिमाचल के सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत का पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। परमाणु में राज्यपाल ने हिमाचल के सबसे बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की। इस सफाई अभियान में परमाणु के करीब 5000 स्वयंसेवियों ने हिस्सा लिया, जिसमें औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारी, अधिकारी, स्कूल छात्र छात्राएं भी मौजूद रही। इस मौके पर राज्यपाल ने जहां एक और सफाई अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया, वहीं उन्होंने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी संदेश दिया। मीडिया से बातचीत के दौरान महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ किए गए स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और वह हिमाचल के कोने कोने में जाकर इस स्वच्छता की मुहिम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में आज औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में भी हिमाचल का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हिमाचल को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन भारत स्वच्छता अभियान चालू किया और मैं प्रदेश में जिस भी नगर में जाता हूँ पहला काम स्वच्छता अभियान चलता, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना होता। और बहुत खुशी की बात यह है कि इस बार के आयोजन में यहाँ के प्रबुद्ध उद्योगपति मिलकर के इस अभियान से जुड़े हैं और इसके बाद हम बद्दी में, नालागढ़ में, पौंटा साहब में, कालाम में, जहाँ पर हमारे उद्योगों का प्रदूषण फैलता है उससे लोगों को निजात मिले, इस दिशा में पहल करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान होगा कि जिसमें लगभग 5000 लोग सम्मिलित होने जा रहे हैं और यह मैं समझता हूं प्रदेश और देश के लिए एक प्रेरणा का कारण बनेगा।